गोलियों की आंधियों में लेकर हाथों में तिरंगा वो आगे ही बढ़ते जाते थे। कहते थे भारत की शान है तिरंगा, और जन गण मन वंदे मातरम धुन इसकी, सभी धर्मों का ईमान है तिरंगा। भुजा एक घायल हुई दूसरी से थाम लिया, भुजा एक घायल हुई दूसरी से थाम लिया, झुके मैं न दिया मान है तिरंगा। और कुर्बानी रंग लाई दुल्हन आजादी की आई, लाल किले पर फहरा सम्मान है तिरंगा। पर कश्मीर की आजादी अभी बाकी थी, धारा 370 और 35 ए ने वहां पर क्या किया, 370 और 35 ए ने वहां पर क्या किया, 8 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाल दिया, 8 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया, तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए, अरे भाई माँ को काटा बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे, गाड़ी बंगले वाले भी रहस्य में पड़े रहे। मैं कश्मीर के हिंदुओं में ललकारता हूँ तुम्हें, सागर में बहती पतवार उठा लेते, 8 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। तो ये नापाक नारे ना होते कश्मीरी माटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में, अगर 100 में से तुम 8 ही हथियार उठा लेते, तुम परशुराम बन जाते, तो ये नापाक नारे ना होते इस कश्मीरी माटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। और अब देखिए भारत में क्या हुआ है, ना कालिया के फन पर प्रहार हुआ है भारत में, कश्मीर जो नासुर था उपचार हुआ है भारत में, इतिहासों के काले पन्ने हमने वापस जाकर बाँचे तो हैं, यूँ लगा कश्मीरी घाटी में कृष्ण कनारी नाचे तो हैं। सौगंधपुरी का डाली है जो शपथ उठाई प्रधानमंत्री ने, रावण की लंका में घुसकर आग लगाई गृहमंत्री ने, संविधान के पृष्ठों में इतना बदलाव ज़रूरी था, और धारा 370 और 35 ए का भी हटना बहुत ज़रूरी था, और अब पूरे देश की यही मांग है, रहे तिरंगा हाथों में और इंकलाब की बोली हो, तो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने पर गोली हो,